नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासनिक भवन में स्मार्ट सिटी सम्मेलन हॉल में बुधवार को शहर के इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेज के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की। विजय पिंटू झलके स्थायी समिति अध्यक्ष और स्मार्ट सिटी के निदेशक ने बैठक की अध्यक्षता की है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभारी महेश मोरो ने बैठक मुख्य अतिथि थे। महापौर संदीप जोशी के पहल पर हितधारकों की एक बैठक आयोजित की जा रही है। महाविद्यालय के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए विजय झलके ने कहा कि नागपुर के विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को एक साथ आने और सहयोग करने की जरूरत है। उन्होंने नागपुर के लोगों से शहर को जीवित, सुरक्षित, सतत और स्वस्थ बनाने में मदद करने की अपील की है। इस बार उन्होंने 18 किलोमीटर की दूरी तय की, सड़क पर एक समर्पित साइकिल लेन बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नागपुर के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए यह व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। शहर को नागरिकों के और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता है। कार्यक्रम ई गवर्नेंस योजना विभाग की ओर से आयोजित किया गया था। पूर्व में CEO प्रभारी महेश मोरो ने नागपुर शहर में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं को स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत उपस्थित प्रतिनिधियों को प्रस्तुत किया। केंद्र सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया गया है। नागपुर देश के शीर्ष 100 शहरों में शामिल है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत केंद्र सरकार ने इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज लॉन्च किया है। कार्यक्रम को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में साइकिल को बढ़ावा देने के लिए नागपुर में छोटे पैमाने पर उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही नागरिकों के बीच एक माहौल बनाकर उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए साइकिल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नागपुर में साइकिल चलाने के लिए 18 किलोमीटर सड़कों पर समर्पित साइकिल लेन बनाई जाएगी। शहर में अधिक से अधिक नागरिकों के लिए साइकिल को प्राथमिकता बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए नागपुर शहर ने स्मार्ट एक्ट के माध्यम से एक हैंडल बार सर्वेक्षण के माध्यम में एक सप्ताह में 18 किलोमीटर की दूरी तय की है। CSR की सड़कें साइकिल चलाने के लिए तय की गई है। CSR फंड से 2 करोड़ का काम होगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नागपुर को भारत की साइकिल राजधानी बनाने का फैसला किया है। सीतामढ़ी को वाहन मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागपुर में 10 थीम पार्क विकसित किए जाएंगे। पहले चरण में हैप्पी थॉट गार्डन और आर्ट गार्डन शामिल होंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर के प्रतिनिधियों को नागपुर में सड़क चौक के डिजाइन में सुधार करना चाहिए और साथ ही कॉलेज के माध्यम से प्रदूषण मुक्त वाहनों को प्रोत्साहित करना चाहिए और एक साइकिल क्लब खोलना चाहिए। बैठक में उपस्थित LED कॉलेज आर्किटेक्चर के प्राचार्य डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव ने कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के छात्रों को अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और छात्रों के साथ बैठक का सुझाव दिया है। JIIT कॉलेज के अनिल बावस्कर ने अपने कॉलेज के छात्रों द्वारा उठाए गए प्रोजेक्ट के बारे में बताया। प्रियदर्शनी कॉलेज के किशोर रेवतकर ने नागपुर के विकास में सभी को साथ लेकर चलने की सलाह दी। रायसोनी कॉलेज के डॉक्टर प्रमोद वालके, आइडियाज कॉलेज केतन किमटकर और VNIT के समीर देशकर ने भी बहुमूल्य सुझाव दिए। IIT नागपुर पूजा जैन विचार महाविद्यालय के हर्ष नागपुरकर बैठक में अजय तम्हाने भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विधि अधिकारी मंजीत नयारे इन्होंने किया। धन्यवाद कंपनी सचिव भानुप्रिया ठाकुर ने दिया। स्मार्ट सिटी के वित्त अधिकारी नेहा झा, डॉक्टर शील घुले, डॉक्टर प्रणीता उमरेड़कर, अमृता देशकर, सोनाली गेड़ाम, अनुप लाहोटी, आरती चौधरी, कुणाल गजबी, साइकिल मेयर दीपान तिपाल, मानस और अर्जुलता मौजूद थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।